Bappa. Pooja. राधे राधे, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हो सारे? आई नो सारे मस्त होंगे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज भोग बनाना है। बप्पा का लास्ट भोग है आज हमारे घर का, फिर बप्पा अपने घर जाएंगे। हम लोग मैं जल्दी उठूँगा, मैं लोगों को उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहे हैं। कार्तिक उठ चुका है और आज पापा भी आ रहे हैं। पापा आएंगे 9 बजे तक, तब तक मेरी क्लास है 9 बजे से। देखो ये सोते पड़े, कार्तिक उठा, बस सब सोते पड़े। 9 बजे से मेरी क्लास है, वो करके आना है, फिर विसर्जन के प्रोग्राम में लगना है। तो चलो भोग बना लेते हैं। आज भोग में बना रहे हम खीर। बहुत ऐसा, मतलब 10 दिन ऐसे निकल गए पता ही नहीं चला। बप्पा के जाने की खुशी भी है, दुख भी है कि पहली बार तो बप्पा अपने घर जा रहे हैं तो इस चीज़ की खुशी है, दुख ही है कि हमारे घर से जा रहे हैं। कोई ना, ठीक है। चलो पहले फटाफट प्रसाद बना लेते हैं, देन कॉलेज जाना है। फिर पहली बार लाइफ में खीर बनाया हूँ और उम्मीद अच्छी बनी हो। पप्पा के लिए पहली बार खीर बनाया, थोड़ी सी देर हो रही है, खीर तैयार हो जाएगी। और कार्तिक जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? 10 दिन आपके कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। क्या ही, बप्पा जा रहे हैं, इस चीज का दुख है, बट अपने घर जा रहे हैं, इस चीज की खुशी भी तो है कि वो भी अपने घर जा रहे हैं। कोई ना, साथ ही है वैसे तो, पप्पा तो हमेशा अपने साथ ही है। कॉलेज में, और जैसा कि हमारे यहाँ की फेमस है लाइन, ई रिक्शा लाइन, भाई वो घूम के उधर से जा रही है भाई। देखा, रुका, ये देख भाई, ये जा रही है वहां तक। आर्यन सोच, अगर तेरा होता 56 ब्लॉक, कॉलेज छोड़ देता, पढ़ाई छोड़ देता, जा रहा भाई। सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देता घर। पहले निकलो घर से अगर पहुंचना है वहां तो। भाई बहुत स्ट्रगल है भाई वहां पे जाने के लिए, एकदम दूसरे देश में बसा हुआ है, अलग सिटी में है भाई, बकायदा अलग सिटी में। अगर आप गूगल मैप पे मारो ना तो मेन गेट अलग सिटी में है, वो अलग सिटी में, पीछे अलग सिटी में है, अरदास और चेहरू अलग अलग पड़ जाते हैं भाई। जा रहे हैं क्लास, दे दो आगे, जल्दी निकलेंगे जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से, क्योंकि फिर बाकी का काम भी करना है। चलो चलते हैं। गाइस पेपर हो गया है, अच्छा एक दिन, मतलब एक रात पढ़ गया, इतना अच्छा पेपर दे सकते हैं। सुबह आ रहे थे ना तो पढ़ते पढ़ते आ रहा था, आर्यन पीछे से रिवीजन करवा रहा था मेरा। आर्यन के पूरे 30 में से 30 है, मेरे 22-25 आ जाएंगे, फिर 2-3 नंबर कटेंगे मेरे को लग रहा है। तो बस अब घर जा रहे हैं, मैं तो घर जा रहा हूँ, किसी का क्लास दुख हुआ जाके। चलो चलो भाई मैं चलता हूँ क्लास, बाय बाय, जल्दी आ जाइयो। बस मैं निकल रहा हूँ, घर पहुँचता हूँ, फिर वहाँ का दिखाता हूँ क्या सीन है। चिन्नलाल ये जय श्री राम। बस बस पापा भी आ चुके हैं, ये रे पापा जी। एक हीरा एक हीरा, जय श्री राम जय श्री राम। नहीं नहीं, अरे वो चप्पा चप्पा वाला कर दे एक बार। चप्पा चप्पा गूंजेगा श्री राम के जयकारों से, पूरा भारत बन जाएगा राम के जयकारों से। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कार्तिक आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो हम लोग ताकत सी महसूस हो रही है एकदम, मतलब भगवा पहन के तो एकदम ऐसा लगता है खून में एकदम ब्लड प्योरीफाई हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं, चले फिर
अब हम निकल रहे हैं बाजार सामान वामान लेने, काम करके आ रहे हैं। चलो चलते हैं, फिर बताते हैं आपको, सारा अपडेट देते रहते हैं टाइम टाइम पे। चुन्नू आप कुछ कहना चाहोगे आपके दोस्तों से? कुछ नहीं कहना मुझे, कह दो यार कुछ यार। आज मैं स्क्रिप्ट तैयार करके बोल रहा हूँ, कह दो मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है। चलो चलते हैं। चल भाई कार्तिक, पहले मैंने किया चश्मा चेंज, मेरा लास्ट चश्मा बिल्कुल जब होली पे गए थे बिल्कुल कलर का हो गया था, तब जाके दूसरा चश्मा बनवाया था, वो भी अब मैं लाइट फ्रेम का बनवाया हूँ, बट मेरे को वो सही सलामत चाहिए, तो मैंने पहले, क्योंकि हम लोग उड़ाने वाले गुलाल वगैरह को, हम लाए 10 किलो का कट्टा गुलाल का, तो गुलाल उड़ेगी अच्छी खासी, इस वजह से पहले मैंने कहा सेफ्टी फर्स्ट, चश्मे के साथ ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक बार का चश्मा 4-5 हज़ार का बनता है, तो उसमें उसमें कोई हम रिस्क नहीं ले सकते। मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में। तो गाइस आज की ये पूजा हो चुकी है, अब हम जा रहे डीजे लेने, 6 बंदे जा रहे डीजे लेने। पहलवान के दे राम राम लड्डा रे। तो अभी हम जा रहे हैं, अब लेके चले चल, आजा तुम दोनों उधर बैठ जाओ, आजा तुम तो आजा बैठ। बोल गणपति बप्पा। हाँ राइडर, ये क्या गोल गोल घुमा। तो अब हम जा रहे हैं डीजे इसमें लगवाने, इसी में पिट करवाएंगे डीजे। ये देखो दो हमारे बॉडीगार्ड आ रहे हैं। बेस लग गया, कैसा लग रहा है बेस देख के? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। दुकान पे देखा तो थोड़ा सा, इसने इतने इतने से टॉप देख लेते तो मेरे को जब से गाली दे रहा है जाके थोड़ा सा अच्छा लगा, मुंह लटका हुआ था, थोड़ा सा हंसी आई है, थोड़ा डांस करने का मन सा कर रहा है। चेक करवा, अभी चेक करवाएंगे रुको, अब टॉप भी लग चुके हैं। अब बोलिए, लगने के बाद लौंडे की खुशी देखो, ये देखो 3 गुना हो गई है। बीच में हम मूर्ति रखने का सोच रहे हैं, देखेंगे अभी जाके क्या रहता है उस हिसाब से। फुल वॉल्यूम में सोसाइटी में बजवाऊंगा, नीचे बुला लूंगा सबको एकदम धा धा धा। करवाया हूँ मैं, टेस्ट बिना किए कैसे लेके जाए भाई।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान। Here I come. Oh. मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति एक दो तीन चार एक दो तीन चार लाल फूल नीला फूल गणपति बाप्पा ब्यूटीफुल एक दो तीन चार मोरिया भाई मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा बोलिया मंगल मूर्ति बोलिया अगले बरस तू जल्दी आ।
गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू बलिया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू बलिया, गणपति बाप्पा मोरया। सरकार से आराम से खेलो, पांच बार ओए चले गणपति विसर्जन हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर। कोई ना, अगले बरस फिर आएंगे बप्पा, गणपति बप्पा मोर। चलते हैं अभी तो बच्चा भाई। हो गया आज का व्लॉग, बस यहीं तक था। बहुत अच्छे से विसर्जन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ बढ़िया आराम से हो गया। पापा और चुन्नू भी गए, उन्हें भी छोड़ के आ गए। तो बस यही व्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जो जो भी आए, जो जो भी विसर्जन का पार्ट बने, अपना टाइम बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के जो जो भी आए उनको थैंक यू। जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, कोई बात नहीं। सो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।